हेवन, मैं हूँ सुमन। काल यानी 1 जून को मार्केट में किस तरह से प्रेडिक्शन रहेगा, मार्केट कहाँ जा सकता है, वो अभी आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे कि आज अगर सेकेंड हाफ में हम लोग देखें तो बहुत बड़ा एक गिरावट देखने को मिला है। तो अगर आप लोग प्रो ट्रेडर हो, जैसे जिस लोगों को ओपन इंटरेस्ट क्या होता है मालूम है, तो एक काम कर सकते हैं, आपका जो ब्रोकर है फायर या जीरोधा, किसी भी ब्रोकर में आप इधर पे इंडिकेटर में जाके एक आप ये डाल सकते हैं, OI करके एक होता है। जैसे अगर इंडिकेटर में जाके इधर पे सर्च करेंगे OI करके, तो इधर पे ओपन इंटरेस्ट का एक इंडिकेटर देखने को मिलेगा। जैसे कि ये देखिएगा, ये जो है आपका 35,700 का जो पीड है पुट है, उसमें OI लगा हुआ है। तो देखिए सेकेंड हाफ में मतलब 130 से गिरावट देखने को मिल रहा है। इधर से जो पुट राइटर है, जो लोग मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, उधर पे एग्जिट करके निकल रहे हैं। तो इधर से आप जो ऑप्शन बायर है, जो कॉल बाई करके बैठे थे आज, क्योंकि इधर पे एक पॉजिटिव डेटा देखने को मिल रहा था कुछ मतलब फास्ट हाफ में, तो उसके लिए जो सेकेंड एंट्री करके, जैसे इधर पे कोई कोई रिटेस्ट में एंट्री लिया है, कॉल को बाई किया है, तो वो लोग उधर पे आज बहुत बड़ा एक नुकसान देखने को मिला है। क्योंकि अगर आप फुट की साथ साथ किया कॉल में अगर ओपन इंटरेस्ट की इस तरह से एक इंडिकेटर डाल देते हैं, तो उधर से एक लामसम आइडिया लगा सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कल कहाँ पे एंट्री एग्जिट ले सकते हैं, वो भी डेटा की अकॉर्डिंग, मतलब जो ऑप्शन चेन का डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे एंट्री एग्जिट ले सकते हैं, वो अभी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सिंपल अगर ग्राफ में जाते हैं तो देखिए, मार्केट में आप 15 मिनट का एक ग्राफ करके इधर पे अब एक ट्रेंड लाइन डाल सकते हैं, जैसे कि ये वाला ट्रेंड लाइन है। और नॉर्मली आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आप जानते हैं कहाँ पे डालना जरूरी होता है। पिवट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, या अपने से जो बहुत दिन से मार्केट में काम कर रहा है वो लोग देख के ही आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि इधर पे देखिए, अभी हम लोग क्या ना डेटा अकॉर्डिंग देखेंगे कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कहाँ पे हम लोग को एग्जिट लेना है, कहाँ पे एंट्री लेना है। तो इधर पे देखिए 35,000 के जो है, इधर पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल का एक फूड राइटर बैठा हुआ है जो मार्केट को ऊपर ले जाता है। 35,000 देखिए, 35,000। तो अगर हम लोग ऑप्शन चेन में जाएंगे तो इधर पे देखिए, ये देखिए, ये 35,000 में 18 लाख अभी भी पुट राइटर इधर पे बैठा हुआ है, कि वो लोग सोच रहे कि 35,000 के नीचे लाने नहीं देगा। और इधर पे जो चेंज OI देखिएगा, अभी इधर पे चेंज OI बहुत कम है, मतलब इधर पे जो इंटरेस्ट ले रहा है और भी जो सामने वाला जोड़ेगा, मतलब ये OI अगर इंक्रीज होगा तो वो पुट लेवल का स्ट्रॉन्ग होगा, उधर पे स्ट्रॉन्ग लेवल का सपोर्ट मिलेगा। तो ज़्यादा कुछ इधर पे इंक्रीज नहीं हुआ है, तो दिमाग में एक डाल के रखिएगा कि 35,000 एक राउंड नंबर है, और इधर पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकते हैं अगर आप पुट कॉल में, क्योंकि मार्केट का डेटा अकॉर्डिंग मार्केट अभी BRIS है। अगर एक पुट को अगर बाई करते हैं तो 35,000 के थोड़ा ऊपर आप एग्जिट करके निकल जाइएगा, या तो SL को ट्रेल कर सकते हैं। क्योंकि आप जब ग्राफ देखेंगे, कैंडल के साथ साथ अगर थोड़ा डेटा देख लेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा। तो नॉर्मली ग्राफ अकॉर्डिंग जो देखने को मिल रहा है, अगर ये वाला ब्रेक करता है 35,300 वाला ये पोर्शन ब्रेक करता है, तो इधर पे ब्रेक करके 5 मिनट के कैंडल में अगर रेड कैंडल बनाता है, तो आप 20 पॉइंट का SL डाल के एक 100 का टारगेट का एक आप पुट को होल्ड कर सकते हैं, वो भी मैक्सिमम 15 मिनट के लिए। 15 मिनट से ज़्यादा कोई भी पुट को आप होल्ड मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में 80% प्रेडिक्शन है, कभी भी मार्केट रिवर्स ले सकते हैं। उसका साथ साथ आप इधर पे ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे, और कल का अगर फ्यूचर का इधर पे डेटा देखें, जो डाउ जोन्स है वो अभी माइनस 316 पॉइंट का नीचे है, और नैसडेक जो है 110 का जो पॉइंट का वो अभी नीचे है। अगर एशियन मार्केट देखते हैं तो उसमें क्या है, थोड़ा एक बार देख लेते हैं एशियन मार्केट में, जो एशियन निफ्टी है वो भी 27 पॉइंट का अभी भी ये भी डाउन चल रहा है। हालांकि ये मार्केट अभी ओपन है, तो लास्ट का इसका जो अपडेट होता है उसी अकॉर्डिंग देखिएगा। हालांकि अभी के हिसाब से इधर पे ओपन होने की चांस है, थोड़ा गैप डाउन होएगा। गैप डाउन होने के बाद ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है, ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक करके इधर पे ओपन होगा, और ये वाला सपोर्ट ब्रेक कर देता है, तभी आप इधर पे पुट ले सकते हैं। और कॉल साइड में अगर आप जाते हैं, जैसे इधर पे जो देखने को मिल रहा है, जो आपका कैंडल को अकॉर्डिंग अगर बोले, तो ये वाला जो सपोर्ट आप देख पा रहे हैं 35,600 के ऊपर, 35,600 के ऊपर अगर ग्रीड कैंडल बनता है, उसके साथ साथ अगर PCR इंक्रीज होता है, एक के ऊपर जाता है PCR, एक के ऊपर जाता है, तभी इधर पे एक कॉल आप बाई कर सकते हैं, और इधर पे भी आपको 50 का एक टारगेट मिल जाएगा। जैसे कि इधर पे देखिए, आसानी से 200 इधर पे है, 200 पॉइंट है इधर पे, इधर से आप 50 पॉइंट ले सकते हैं।
तो सिंपली ये काल का मार्केट का एनालिसिस है, काल देखते हैं, काल के बीआरएस है। हालांकि आप कॉल की सारी मौत जाइएगा तो अच्छा रहेगा, पुट की साइड ही खेलिएगा। तो वीडियो देखेंगे, थैंक यू वीडियो देख के। अगर आपको थोड़ा भी हेल्प हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।